एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। आज अपन ट्रिकी वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं भारत की पूरी झीलें। भारत की संपूर्ण झीलों से मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर केवल राजस्थान की झीलें लिख करके रखी हैं और भारत की संपूर्ण झीलें हो जाएंगी। देखो कैसे, देखो याद करने का तरीका ये है भारत की झीलों का कि देखो डल झील, बुलर झील और नांग नांगी, तीन चीज़ें याद रखना। कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको, डल झील और बुलर झील, ठीक है। ये दो नाम तो लगभग सबको याद है क्योंकि मीडिया में इतने ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। और तीसरा मैं बता रहा हूँ नाग नांगिन, ये याद रखना। जहाँ पर ये तीन चार शब्द याद रखना, डल वोलर नाग नांगिन, ये जहाँ भी आए समझ जाना कि ये सब कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं पूरी। कहाँ है ये, पूरी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं ये, जहाँ डल बोलर और नांग नांगे ना जाए सब जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है। वेरी नांग, ठीक है, और ये डल झील, बुलर झील, शेष नांग, अनंत नांग, ये जितनी भी झीलें हैं सब कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। तो क्या रखना है, डल बोलर और नांग नांगे जम्मू कश्मीर की। अच्छा, अब दूसरा उत्तराखंड की झीलों की बात कर लें तो देखो उत्तराखंड की झीलों में ताल, तालाब, ताल याद रखना है। जहाँ पर भी लास्ट में ताल लिखा मिल जाए 90% टिक कर देना है, 99.9% की ये कहाँ की है, उत्तराखंड की झीलें हैं। जैसे राकस ताल हो गया, देव ताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, ये सब झीलें कहाँ की हैं, ताल वाली, सब उत्तराखंड को दे दो। नांग नांगन कहाँ दे देना अपन को, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये हो गई, अब आप कहोगे कुछ झीलें और केरल है और कहीं आंध्र प्रदेश में झीलें हैं, तो देखो पुलकर झील आपसे पूछी जाए तो सब लोग बता दोगे, ठीक है। अच्छा, वेम्बनाड झील, नाम ही ऐसा है कि आपको पता होगा कि ये केरल में स्थित है। तो जो तीन चार झीलें हैं ना वो ऐसे ही आप देख लोगे तो लगभग, क्योंकि जब नाम ऐसा रहता है पर्टिकुलर स्थान के हिसाब से नाम रहता है तो वो चीज़ें कभी भूलती नहीं है, ठीक है। अब जो पूरे भारत की जितनी भी झीलें हैं, ये मैंने आपको तरीके बता दिए, कुछ आंध्र प्रदेश की झीलें के जैसे नाम है हुसैन सागर झील, ठीक है, तो वो बस याद रखना है। कि लोकटक झील आपको पता है कि लोकटक झील, पुलकर झील तमिलनाडु में, लोकटक झील बस ये जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ है, मणिपुर में है, ठीक है। वो एक ही झील है मणिपुर की, वही पेपर में आती है, लगभग लोगों को याद रहती है कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। बात जहाँ आकर के झीलों में फंसती है वो फंसती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की जो झीलें हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। पुष्कर झील आपको राजस्थान की सबको पता है, ठीक है। कुछ और ऐसे नाम हैं राजस्थान के, सामर झील भी राजस्थान को पता है, लेकिन ये पूरी हायरार्की मैंने यहाँ पर बना रखी है। ट्रिक भी है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन को याद करना है। वो लाइन क्या है, लाइन पहले समझ लो। एक दीदी है राज दीदी, तो राज से तो राजस्थान ही हो गया। राज दीदी को अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राज दीदी नाक संभाल कर, अपनी जो नाक है नाक संभाल कर पुष्प लाना। इतनी लाइन तो यार सबको याद हो जाएगी, क्या है, राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, पुष्प यानी कि फूल लाना। तो क्या बोल रहा है, राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा लगता है ना कोई क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन मार्क है कि राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, भाई क्यों लाना नाक संभाल कर पुष्प। बात क्या है कि एक जय नाम का लड़का है, जय पिछला राज फतेह करने आएगा, जो पिछला अपना राजपाट जो खो चुका है, राजस्थान की बात है, राजपाट की बात है, ठीक है। तो जो जय है वो जो अपना पिछला राज उसका जो खो गया है, राजपाट जो खो चुका है, वह उसको क्या करने का आएगा, फतेह, फतेह मतलब जीतने आएगा। तो इतना तो याद हो जाएगा यार, याद क्या करना है, राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, क्यों लाना, क्योंकि जो जय है ना वो पिछला राज, पिछला जो उसका राज है उसको फतेह करने जरूर आएगा। तो कैसे याद रखना है, राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, क्योंकि जो जय है वह पिछला राज फतेह करने आएगा। तो ये लाइन तो मेरे हिसाब से इतनी टप नहीं है कि ये याद ना हो, और यदि ये लाइन याद हो गई तो समझ लो राजस्थान की झीलें कभी गलत ही नहीं होंगी। पेपर में झीलों के नाम भी याद नहीं है, और यदि ये लाइन याद है और राजस्थान की झीलें पूछी गई हैं तो इस लाइन के दम पर पे आप टिक कर दोगे सही कि हाँ यही सही है, कि राज दीदी, ये पूरा नाम है राज दीदी नाक संभाल कर पुष्प लाना, जय पिछला राज फतेह करने आए। क्यों, क्योंकि इसके पहले नाम से ही आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये झील तो राजस्थान में ही होगी, ये झील राजस्थान में नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, तो राज से तो हो गया राजस्थान, अब दीदी से क्या होगा, दीदी से अपन ने लिख दिया डिडवाना, जो डिडवाना झील है वो कहाँ है, राजस्थान में। तो दीदी से हो गया डिडवाना झील,
नाक से नक्की झील, नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। तो नाक से क्या हो गया अपना? नक्की झील। तो राज दीदी नाक संभाल कर, तो संभाल से हो जाएगा अपना सामर झील। ठीक है, तो डिडवाना दीदी से डिडवाना, नाक से नक्की झील, नाक से क्या हो जाएगा? नक्की झील, और संभाल से सामर झील। ठीक है, कर से हो जाएगा आपका करीला झील, करीला जिसका नाम है, तो करीला झील भी कहाँ है? राजस्थान में। कर से करीला झील हो जाएगा। पुष्प से सब लोगों को पता होगा पुष्कर झील। ठीक है, लाना से लुनकनरसर, लुनकरनसर, लुनकरनसर झील, लुन से लुनकरनसर झील हो जाएगी। ठीक है, पुष्प लाना, लाना से लुनकरनसर झील हो जाएगी। अब देखो जय, जय से हो जाएगी जैसमंदर झील। ठीक है, पिछला से पिछौला झील हो जाएगी, पिछला से क्या हो जाएगी? पिछौला झील। राज से राज, जय पिछला राज फतेह करने आएगा, राज से हो जाएगी राजसमंदर। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।